date, particular, ठीक है। पहली मशीन इन्होंने कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2014। ठीक है, 2014 अप्रैल फर्स्ट मशीनरी खरीदी। एंट्री क्या करेंगे? टू बैंक, जनरल एंट्री। मशीन अकाउंट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वो 36,000 की इन्होंने मशीन बाय करी है और 4,000 रूपए क्या लग रहा है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो जब भी कोई एसेट खरीदते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के अंदर इंक्लूड होंगे। टू बैंक एंट्री क्या हो रही है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी एंट्री में क्या हो रही है? डेबिट। तो किस साइड पोस्टिंग होगी? डेबिट साइड। 40,000 रुपीज। ठीक है, इसी ईयर में एक और मशीन खरीद ली उन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो अक्टूबर फर्स्ट फिर से कितने रुपए? 20,000। ठीक है, क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना? रिटर्न डाउन मेथड से। तो जब भी रिटर्न डाउन मेथड लगती है फर्स्ट ईयर में तो इसी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर से जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन शो करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा? ईयर कब एंड हो रहा है हमारा? मार्च 31st। अब जरूरी नहीं है हर बार मार्च 31st को ईयर एंड होएगा आपका। क्वेश्चन में कहते हैं बुक्स आपकी 31st दिसंबर को क्लोज होती है, तो इसमें 9 months का लगेगा और इसमें 3 months का लगेगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 months और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 3 months। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो आ जाएगा ऐसा ही। हर बार डेप्रिसिएशन 31st मार्च को ही नहीं लगता है। कई कंपनीज में बुक्स कब बंद होती है? 31st दिसंबर को। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन में दे रहे हो आपको कि 31st दिसंबर को आपको बुक्स को क्लोज करना है। तो 31st दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 9 months का, 3 months का। अभी बुक्स कब क्लोज हो रही है? क्वेश्चन के अंदर बुक क्लोज जो होगी वो कभी भी हो सकती है, 31st मार्च जरूरी नहीं है। तो अभी 31st मार्च ही बुक कब क्लोज हो रही है? 2015 मार्च 31st। इसके साल के बाद ईयर चेंज हो जाएगा ना बाय डेप्रिसिएशन। इसका 10% कितना डेप्रिसिएशन? 10% ही। इसका 10% 4000 पूरे ईयर का, 4000 नहीं होगा, 20,000 का 10% कितने मंथ्स का? 6 months का। 31st मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बाय डेप्रिसिएशन 4000 प्लस 20,000 का 10% का 6 months का, मतलब हाफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1000। तो टोटल 5000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसमें से 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसका बैलेंस कितना बचा? 36,000। इसका 19,000, 20 में से 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया ना, तो टोटल बैलेंस कितना बच रहा है डेबिट साइड की? टोटल 60 माइनस 5 55,000 रुपीज बैलेंस आ गया। ठीक है, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होएगा 1 दिन बाद में, 2015 अप्रैल मार्च 31 के 1 दिन बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल। ठीक है, 2015 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रोट डाउन 55,000। 2015 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांजेक्शन है 2016 में है, वो भी अक्टूबर में, अक्टूबर 2016 को, 1st अक्टूबर 2016 को पुरानी वाली मशीन हमने क्या कर दी? बेच दी। फिलहाल 2015 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारा बैलेंस 55,000 है। रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा,
55,000 का 10% लगेगा इस बार। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जब स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, जब डेप्रिसिएशन कितना लगता अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो 4,000 वो पूरा लगता, 2,000 ये पूरा लगता, इसका इन दोनों का 10% लगता। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। जब आपने बाई करी थी ना मशीन, उस वक्त कितने की बाई करी थी, हर साल उसी का 10% लगेगा। लेकिन रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बैलेंस पे। 40 में से 4 तो डेप्रिसिएशन लग चुका, पहले मशीन पे 36 था, 36,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और 20,000 में 1,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, 19,000 पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब टोटल आपको डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों का मिला के 55,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाना। इज इट क्लियर? कब लगेगा डेप्रिसिएशन? 2016 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन 5500। अब ये 5500 कैसे आए? ये जो बैलेंस आ रहा है ना 55,000 का, आगे इसमें 36,000 तो पुरानी वाली मशीन है और 19,000 न्यू मशीन है जो अक्टूबर 1st को बाई करी थी। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 5500 कैसे हुआ? 3600 तो इसका और 1900 इसका, ऐसे 5500 टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है, मार्च 31st को क्या बच जाएगा? बैलेंस कितना? 55,000 माइनस 5,500 49,500 का बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये 49,500 कैसे आए आपके? 49,500 कैसे आए? जो बैलेंस है 36,000 माइनस 3600 कितना बचेगा? 32,400 प्लस 19,000 माइनस 1900 17,100 हो गया 49,500। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बैलेंस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2016 अप्रैल फर्स्ट क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500। इसमें दो मशीन है, पहली वाली मशीन की वैल्यू 32,400 है और दूसरी वाली मशीन की वैल्यू 17,100। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर इस साल में ट्रांजेक्शन है क्या है कि अक्टूबर 1st 2016 को इन्होंने ये वाली मशीन क्या कर दी? बेच दी। अक्टूबर 1st 2016 को ये वाली मशीन इन्होंने बेच दी। ठीक है, मशीन खरीदी, क्या एंट्री करी थी? मशीनरी टू बैंक। बेचेंगे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिट। पोस्टिंग किधर होगी? क्रेडिट साइड में बाय बैंक। कितने में बेची? 12,000 2016 अक्टूबर 1st। ये मशीन थी कितने की? 32,400। इस मशीन को कितने में सेल कर दिया? तो लॉस होगा 20,400 समथिंग का। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मशीन को 6 महीने तुमने और यूज कर लिया तो 6 months का डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। अभी भी 32,400 की मशीन ईयर के स्टार्ट में थी, जिस दिन बेची उस दिन भी 32,400 की है क्या वो? तुम उसको 6 महीने क्या कर चुके हो? यूज कर चुके हो। समझ में आया? तो जिस दिन बेची गई उस दिन वो मशीन 32,400 की नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अक्टूबर 1st को पहली वाली मशीन पे क्या लगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने रुपए लगेगा इसका? 32,400 का 10% का कितने मंथ्स का? 6 months का। कितना डेप्रिसिएशन होएगा अगर इसका 10% निकालो तो 3,240 का हाफ 1,620
30 to 40, 16, 20, half हो गया, 16, 20, समझ में आया? तो जिस दिन वो मशीन सेल की गई थी उस दिन वो मशीन कितने की हो गई थी? 32,400। तो ईयर के स्टार्ट में थी, दो साल पहले कितने की थी? 40 की। फिर साल भर बाद कितने की हो गई वो? 36 की। फिर एक साल बाद और कितने की हो गई वो? 34। फिर छह महीने बाद और कितने की हो जाएगी वो? तो 32,400 में से डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 16,20 का। तो ये मशीन बचेगी आपके 30,780 की मशीन बची। आ रहा समझ में? इस मशीन को इन्होंने कितने रुपए में सेल आउट कर दिया? 12,000 में सेल आउट कर दिया। तो इनको क्या होगा? लॉस 18,780 समथिंग। समझ में आया? तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। लॉस की एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मशीन, और प्रॉफिट होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एंट्री क्या हो रही है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। अकाउंट किसका बना रहे हो? मशीन। मशीन क्या हो रही है? क्रेडिट। किस तरफ पोस्टिंग होगी? क्रेडिट, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल। यहाँ पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट हो रहा है, ठीक है। अक्टूबर फर्स्ट पीएनएल की डेट आप 31 मार्च लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग पीएनएल कब बनाते हैं? 31 मार्च को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2017 मार्च 31 अक्टूबर फर्स्ट भी लिखो तो गलत नहीं होगा। बाय पीएनएल कितने रुपए? 18,780। क्लियर है? आ रहा सबके समझ में? 18,780 का बैलेंस बचा। अब क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं है बस। अच्छा, इसी दिन एक और मशीन खरीद ली, कितने रुपए की? 64,000 की। लिखा है क्वेश्चन में? यस, ठीक है। तो अक्टूबर फर्स्ट को टू बैंक वापस इन्होंने 64,000 की मशीन खरीद ली, ठीक है। अब आपके पास वापस से दो मशीन हो गई, एक तो सेकेंड वाली मशीन और एक थर्ड वाली मशीन। आ रहा समझ में? तो इन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। सेकेंड वाली मशीन पे तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड वाली मशीन पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 7,710। तो इसका 10% और इसका 10% का हाफ 32,100, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके ये 4,910 का आपका डेप्रिसिएशन हो गया। बस डेबिट साइड की टोटल लगाओ, उसमें से ये सब क्रेडिट का माइनस करो तो बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,100 माइनस 1,710, यहां बैलेंस आ जाएगा। 64,000 माइनस 3,200, यहां बैलेंस आ जाएगा। दोनों बैलेंस प्लस कर